नमस्कार दोस्तों, हम सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं। कई लोग कई मजबूरी के कारण जो सपना देखते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन भी नहीं ले पाते, उस दिशा में कदम भी नहीं बढ़ा पाते हैं। कई लोग डर जाते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरी सिचुएशंस ऐसे हैं, लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे क्या करूँगा। हम लोग अपनी सर्कमस्टांसेस को, अपने रीजंस को अपने आप से कई गुना ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हम किसी भी रीजन से ज़्यादा बड़े हैं। भौरे की बात तो आपने सुनी होगी, डायनेमिक के हिसाब से भौरा का पर उसके वेट के हिसाब से मैच नहीं करता, पर बहुत छोटा है और उस हिसाब से भौरा को उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन भौरा रोज उड़ता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैं एग्जाम्पल लूंगा। हमारे आपके जैसे बिल्कुल आम और सामान्य दिखने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ग्लैमर वर्ल्ड में असाधारण काम किया है, बेहतरीन मूवी किए हैं और आज भारत के जाने माने और बेहद प्यारे अभिनेता। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी अपनी मंजिल, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, बशर्ते आपको करना होगा एक काम, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी होगी। आपकी लाइफ में चाहे जो अच्छा हो रहा है, चाहे आपकी लाइफ में जो बुरा हो रहा है, उन सब की जिम्मेवारी आपको खुद लेनी होगी। वो ब्लेम गेम से बाहर निकलना होगा कि लाइफ में ऐसा हुआ या वैसा हुआ, या उसके चलते मैं ये नहीं कर सका, लोगों ने ऐसा कर दिया इसके लिए मैं ये नहीं कर सका, पापा ने परमिशन नहीं दिया इसके लिए मैं ये नहीं कर सका। नहीं, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेवार सिर्फ आप हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ नहीं हुआ है उसकी भी पूरी जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है। आपकी लाइफ है, सब कुछ आपको करना है और सब कुछ आपको करना होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले मेरा एक सवाल, क्या आप जानते हैं आप कौन है? पूछिए, सवाल अपने आप से पूछिए और इसका जवाब दीजिए, आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मैंने अपने स्टूडेंट से यह सवाल किया, उनमें से कई लोगों का बड़ा विचित्र जवाब था। कई लोगों ने अपना नाम बताया, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो बिहारी हैं, वो मराठी हैं, वो गुजराती हैं, कुछ ने खुद को हिंदू बताया, कुछ ने खुद को मुसलमान बताया। और ज्यादा डिटेल्स में अगर पूछा कि आप और बताएं अपने बारे में, किसी ने कहा मैं 5 फीट 10 इंच का हूँ, मैं 6 फीट का हूँ, किसी ने कहा मैं 5 फीट 2 इंच का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं मोटा हूँ, इस तरह से अपने आप के बारे में बताए। क्या आपको लगता है, मेरा सवाल है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जवाब से कोई पूछे आप कौन है, इसका आंसर है मेरा नाम। आप जो भी हैं, जैसे मेरा नाम है राहुल रंजन, लेकिन मैं मेरा नाम नहीं हूँ, ये मेरा संबोधन है। मुझे पुकारने के लिए या मुझे मेरे बारे में बताने के लिए मेरे नाम, मेरे संबोधन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको राहुल कहते हैं, किसी को आप अमित कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। या बिहारी, मराठी, बंगाली, ये सब भाषाओं का नाम है, आपकी भाषाएं भी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत, ये सब धर्म, जाति, ये सारी चीजें हैं, आपकी धर्म या आपकी जाति नहीं। फिर आप कौन है? लंबा, मोटा, ये आपके शरीर का डिस्क्रिप्शन है, आपका शरीर ऐसा है, गोरा, काला, ये सब आपके शरीर, आपकी त्वचा, ये सब चीज का जो डिस्क्रिप्शन है, आपकी शरीर भी नहीं है। आपकी शरीर नहीं है, फिर आप कौन है? पूछिए, ये सवाल आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। मैं इसको और अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा। आप अपने घर से अपने ऑफिस जाने के लिए या किसी भी जगह जाने के लिए टैक्सी से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, या कार से, या बस या ट्रेन से जाते हैं। अब आप अपने घर से अपने ऑफिस तक अपने बाइक से जा रहे हैं, तो क्या आपकी बाइक है? नहीं ना। उसी तरह हम लोगों का जब जीवन शुरू होता है, जब पहली बार हम लोग सांस लेते हैं, और जब हमारा जीवन समाप्त होता है, जब हम आखिरी बार सांस लेते हैं, तब तक की जर्नी के लिए हम लोग हमारे शरीर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपनी किसी भी दूसरी जर्नी के लिए साइकिल, बस, ट्रेन, जहाज, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक मीडियम है, एक माध्यम है अपनी मंजिल तक पहुंचने का, उस जर्नी को तय करने का। आपकी कार, आपकी बाइक, आपका प्लेन नहीं है, उसी तरह आपकी शरीर भी नहीं है।
फिर कई लोग ऐसा कहते हैं यार मैं तो मेरी हाइट बड़ी कम है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, या मैं उतना फेयर नहीं हूँ, मैं कैसे ग्लैमर वर्ल्ड में जा सकता हूँ। बहुत सारे लिमिटेशंस बना लेते हैं। रीजंस। आप अपने रीजंस से बहुत बहुत बड़े हैं। अपने रीजंस को इतना बड़ा बताइए कि वो आपको छोटा कर दे। किसी भी हाल में आप अपने सभी रीजन से, सभी सर्कमस्टांसेस से बहुत बड़े हैं। जी हाँ, आप अपनी सभी रीजन से, जो भी आपकी लाइफ की परिस्थिति है, उन सब से आप बहुत बड़े हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने ऑफिस जानी थी, या आपको कहीं किसी काम से जाना था, या जो आपका सपना है उस सपने से रिलेटेड किसी मीटिंग के लिए आपको जाना था, या किसी खास काम के लिए आपको जाना था, बट आपके पेट में दर्द हुआ या घर में कुछ वैसा हो गया कि आप नहीं गए, आपने अपनी फिक्स की हुई मीटिंग कैंसिल कर दी। क्या हुआ ऐसा? हम सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ हो। अब आपके पेट दर्द, या आपके फीवर, या आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको डेंगू हो गया, एनीथिंग, इन सब चीज के चलते आपने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। सेम सिचुएशन में अगर आपको आपकी उस मीटिंग में 1 करोड़ रुपया दिया जाता, तो उसी पेट दर्द में आप वहां जाते या नहीं जाते? उसी डेंगू में आप वहां जाते या नहीं जाते? ये सवाल पूछिए और इसका जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब है हाँ मैं जाता, तो आप ये सोचिए फिर वो कौन सी चीज थी जो आपको रोक रही थी। अगर आपके सपने से रिलेटेड वो मीटिंग था या वो काम था, फिर आप अपने सपने को इतना छोटा कैसे कर दिया? उस 1 करोड़ रुपए से आपने अपने सपने को छोटा कर दिया कि बस पेट दर्द हुआ, या समथिंग तबियत खराब हुई, या घर में कुछ हुआ, या कुछ भी सर्कमस्टांसेस आया, कुछ भी रीजन आया, और आपको अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी, आपने अपने शब्द की इज्जत नहीं की। आप जो बोते हैं वही फलता है। जब आप मेहनत बोते हैं तो उसका रिजल्ट जैसा आप परिणाम चाहते हैं वैसे परिणाम के रूप में आता है, और जब इस तरह के आप रीजंस बोते हैं, बहाना बोते हैं, तो रिजल्ट भी वैसा ही आता है। आपकी बीइंग में, आपके होने में वो चीज आ जाती है। इसलिए पूरी तरह से फोकस्ड रहें, पूरी तरह से डेडिकेटेड रहें और मेहनत करते रहें, और किसी भी छोटी मोटी चीजों के चलते अपने आप को कोई बहाना मत दें। अपनी किसी चीज के लिए किसी और को ब्लेम ना करें, लाइफ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब ना करें। आपकी पूरी जिंदगी की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है। हर खुशियों की जिम्मेवार आप हैं, हर दुख के जिम्मेवार आप हैं। जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है, जो बुरा हुआ है, सबके जिम्मेवार आप हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप हर हाल में अपने सभी सर्कमस्टांसेस से बड़े हैं। अभी बात यह रही कि जब आप आपकी शरीर नहीं है तो आप कौन है? आप हैं आपके शब्द। जो आप शब्द देते हैं आप वो हैं। इसलिए आपने जिससे भी जो कुछ कहा है उस शब्द की इज्जत रखिए, उस काम को पूरा कीजिए, अपने कमिटमेंट्स को पूरा कीजिए। एक बार जब आपके बीइंग में, आपके होने में ये चीज आ जाएगा, आपके आसपास की परिस्थितियां बदलने लगेगी, आपके मनोनुकूल हो जाएगी, आपके हिसाब से हो जाएगी, और आप जो चाहते हैं, जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप वैसी जिंदगी जिएंगे। अपने शब्द को इज्जत दीजिए, अपने आप को इज्जत दीजिए, क्योंकि आप आपके शब्द हैं। आपकी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो का लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को भी इसका लाभ दें, अपने रिश्तेदार को इसका लाभ दें, और अब से किसी भी तरह के रीजंस के सामने अपने आप को छोटा ना होने दें। आप अपने रीजंस से बड़े हैं। अपने सपनों को फॉलो करें, अपने सपनों को पूरा करें। याद रखें, अगर दशरथ मांझी उतने बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, एक इंसान कुछ भी कर सकता है, और आप सब करेंगे। मैं जानता हूं आप सब करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।